दोस्तों, बच्चों का हंसता हुआ चेहरा देखकर हम सबका खराब मूड भी अच्छा हो जाता है। उनके मासूम चेहरे और उनकी नटखट शरारतें बहुत मजेदार होती हैं। बच्चे अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। यह कविता उन्हीं बच्चों के बारे में है। इस कविता के कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम है हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। उनका यह लगाव इस कविता में देखने को मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यह कविता, जिसका शीर्षक है चिल्ड्रन। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे। ओ बच्चों, मेरे पास आओ। तुम खेल खेलते हो, मैं तुम्हारे खेलने की आवाज सुनता हूँ। और जब मैं तुम्हें खेलते हुए सुनता हूँ ना, तो जो समस्याएं, चिंताएं और तरह तरह के सवाल मुझे परेशान करते हैं, वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। मैं अपने सभी कष्ट भूल जाता हूँ। जब मैं तुम्हें खेलते हुए देखता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टूवर्ड्स द सन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। बच्चों, तुम सुहानी सुबह की खिड़कियां खोलते हो, पूरब दिशा की खिड़कियां जो सूरज की ओर खुलती हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे बहुत सुंदर दृश्य बनाते हैं, जहां उनके ख्याल छोटे पंछी की तरह गीत गाते हैं और सुबह छोटी छोटी नदियां बहती हैं। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रूकलेट्स फ्लो, बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। कवि यहां बच्चों के और अपने मन की तुलना करता है। कवि कहता है कि बच्चों, तुम्हारे मन में पंछी हैं, सूरज की किरणें हैं, तुम्हारे ख्यालों में छोटी छोटी नदियां बहती हैं। जिस तरह नदी कहीं नहीं ठहरती, उसी तरह बच्चों के विचार भी एक जगह नहीं ठहरते, हमेशा चलते रहते हैं। कवि कहता है कि बच्चों के मन में यह सब है, लेकिन मेरे मन में बसंत की पतझड़ है और मौसम की पहली बर्फबारी है, जो बहुत कष्ट देती है। अर्थात कवि का मन अब ठंडा पड़ गया है। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फियर। बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे कान में धीरे से बताओ कि तुम्हारी इस सुहानी दुनिया में ये पंछी, ये हवाएं क्या गा रहे हैं। कवि के लिए यह जानना नामुमकिन है कि पंछी और हवाएं क्या गा रहे हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पंछी और हवा गाना गाते हैं और बच्चों को पता भी होता है कि क्या गाते हैं। इसीलिए कवि बच्चों को बोल रहा है कि आओ मेरे कान में बताओ कि ये पंछी, ये हवाएं क्या गा रहे हैं। फॉर वट आर ऑल आवर कंट्राइविंग्स एंड द विजडम ऑफ आर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर केयरसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। कवि आगे कहता है कि तुम्हारे चेहरे की खुशी और तुम्हारे कोमल स्पर्श की तुलना में हमारी किताबों का ज्ञान और हमारी योजनाएं कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चों के चेहरे की खुशी किताबों के ज्ञान से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड।
मतलब वो कविताएं, वो गाथाएं, जिन्हें भूतकाल में कभी गाया गया है, वो मर गई हैं। लेकिन बच्चे जीती जागती कविताएं हैं। इसीलिए कवि कहता है कि बच्चों, तुम सभी कविताओं और गाथाओं से अच्छे हो जिन्हें पहले कभी गाया गया है। अरे तुम तो जीवित कविता हो, बाकी सब तो मरे हुए हैं। तो आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा? कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।